मैं मनदीप सिंह चिप, युवा राजपूत सभा का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और हरि सिंह क्लब का ओनर। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का हमारा जो मेन मकसद था वो ये है कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान ने क्रिकेट में इस टाइम पूरे विश्व में जो है अपना डंका जो है वो बजा के रखा हुआ है, और रिसेंटली जो न्यूजीलैंड के साथ इंडिया का मैच हुआ था उसमें बहुत ही शानदार जीत के साथ उन्होंने फाइनल में एंटर किया है, और कल संडे को 19 तारीख को वर्ल्ड कप फाइनल जो गुजरात में होने जा रहा है। तो हमने देखा कि हमारे जम्मू कश्मीर से काफ़ी लोगों की कोशिश थी कि वो वहाँ जाके मैच देख सकें, लेकिन किन्हीं वजहों से जैसे कि टिकट्स बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं, टिकट्स अवेलेबल नहीं हैं, होटल्स अवेलेबल नहीं हैं, तो बहुत दूर पड़ रहा था। तो हमें लगा कि क्यों ना युवा राजपूत सभा हमेशा हर काम के लिए जम्मू के लोगों के साथ रहती है, तो मुझे लगा कि कोई ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए कि जो हमारे लोग वहाँ नहीं जा सकते और जो क्रिकेट के प्रेमी हैं वो इस मैच को यहाँ पे जो है एंजॉय कर सकें। इसीलिए हमने एक यहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज किया है हमारे हरि सिंह क्लब छोड़ा गोल गुजराल में। हमने कल 20x8 की एक जो बड़ी बिग स्क्रीन है अलॉन्ग विद डीजे वो यहाँ पे इंस्टॉल की है, और वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उसकी कोई टिकट नहीं रहेगी जम्मू के लोगों के लिए। ये पहली बार मुझे लग रहा है कि ऐसा इनिशिएटिव होगा कि फ्री टिकट्स और फैमिलीज भी इसमें आ सकती हैं। हमारे पास यहाँ सिटिंग कैपेसिटी है, हमारे पास सिक्योरिटी प्रॉपर है, CCTVs हमारे पास इंस्टॉल हैं, हमारे पर्सनल जो बाउंसर्स रहेंगे वो यहाँ पे रहेंगे, किसी भी बात की घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये बिल्कुल सिटी के नियर बाई है, भगवती नगर से आप अगर आएंगे तो हार्डली 3 किलोमीटर जो है ये भगवती नगर से पड़ता है, और अगर टूवर्ड्स आप तालाब तिल्लो से आएँ तो वहाँ से भी ये 3 किलोमीटर का डिस्टेंस पे है। गूगल मैप पे भी इसकी लोकेशन जो है आप लोगों को मिल जाएगी। मुझे लगता है कि हमारा मेन मोटिव ये भी है कि हम लोग सारे एक साथ इकट्ठा होके हमें हिंदुस्तान की जो है वो सपोर्ट करनी चाहिए। हमारा अगर हिंदुस्तान जीतेगा तो हमारा हिंदुस्तान का जो सर है पूरे विश्व में ऊंचा होगा। हम माता रानी से भी आशीर्वाद रखेंगे करेंगे कि हमारा ये वर्ल्ड कप का मैच जो है ये हिंदुस्तान जीते, और कल 2 बजे ये मैच स्टार्ट होगा। और हम अपने गेस्ट को बोलना चाहेंगे कि हमारे पास जैसे सिटिंग जो है 300-400 की है, आप लोग वेल इन टाइम आइए, अपनी चेयर्स लीजिए और इसको पूरा एंजॉय कीजिए। इवनिंग आवर्स तक ये चलेगा, बीच में ब्रेक होगी, ब्रेक में आप डीजे पे डांस कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो हमारा यहाँ पे फूड रहेगा वो फूड एक कूपन टाइप रहेगा कि जिसको जो भी फूड खाना है वो पेड होगा, वो उसके अपनी वो चॉइस है। कंप्लीमेंट्री हम ड्रिंक्स वगैरह जो है वो गेस्ट को जो है वो हम प्रोवाइड करेंगे। तो इसके बाद मैं सबसे फिर से एक बार ये अपील करता हूँ कि कल इस मैच को बढ़िया करके जो है यहाँ पे एंजॉय कीजिए। साहब आए, अपनी फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, और बिल्कुल सेफ फील फ्री कीजिए। मनदीप जी, आपने हम अपने जो मेन गेट्स हैं हम उसको क्लोज कर देंगे, अगर हमारे को लगा कि हमारा क्राउड ज़्यादा हो रहा है हम क्लोज कर देंगे, ये हम पहले क्लियर करते हैं, क्योंकि हमने इसीलिए बोला कि फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे रहेगा, जो पहले आ जाएंगे वो इन्जॉय करेंगे। अगर हमारे पास स्पेस होगी पूरा मतलब खाली रहेगा तो हम गेस्ट को इवनिंग आवर्स तक भी जो है वो रिसीव करेंगे। तो अगर ऐसा हुआ कि हमारे पास सीट जो क्लोज हो गई या बुक हो गई पूरी, तो फिर हम रिक्वेस्ट करेंगे। सीटिंग कैपेसिटी किस तरह से रखी हुई है? देखिए, हमारे पास यहाँ पे हट्स हैं, हट्स के अंदर जो है हमारे पास कोई 70-80 सीट्स जो है हट्स के अंदर है। कुछ हमारा ओपन लॉन है, ओपन लॉन में हमारा टेबल सेट्स लगे हुए हैं, लोग उस पर बैठ के इंजॉय कर सकते हैं अलॉन्ग विद अपना फूड। वो फूड लेके वहाँ पे बैठ के फूड खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, म्यूजिक इंजॉय कर सकते हैं। जिनके साथ किड्स होंगे, बच्चे, हमारे पास यहाँ प्ले जोन भी है, टेम्पोलिन्स हैं, स्लाइड्स हैं, वो बच्चे ले सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। हमारे पास स्विमिंग पूल है यहाँ पे, अगर किसी को स्विमिंग पूल भी इंजॉय करना होगा तो वो भी हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा जम्मू वालों के लिए, युवा राजपूत सभा की तरफ से और मेरी तरफ से पर्सनली।